और अब आइए देखेंगे देश प्रदेश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज। रूस की 30वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने MLRS हरिकेन से मचाई तबाही। यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट कर बनाया निशाना। हमले में यूक्रेनी सेना को हुआ भारी नुकसान। चेचन लड़ाकों ने वेसी योलोई के पास किया शक्ति प्रदर्शन। MTLB बख्तरबंद वाहनों को बनाया निशाना। युद्धाभ्यास से नेटो में खलबली। रूस यूक्रेन जंग होने वाली है और भीषण। लातविया में दिखा नेटो सैन्य उपकरणों का काफिला। ट्रेन से सैकड़ों टैंकों की हो रही है सप्लाई। अमेरिका के आसमान में दिखा चीन का जासूसी गुब्बारा। चीन के जासूसी गुब्बारे पर US मिलिट्री की कड़ी नजर। कई दिनों से अमेरिका के आसमान में लगा रहा है चक्कर। यूक्रेनी आर्टिलरी का रूसी ठिकानों पर हमला। M98-2 एक्सेलिबर से यूक्रेन का भीषण अटैक। रूसी उपकरणों को टारगेट कर यूक्रेन ने दागे शेल्स। रूसी आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों को किया ड्रोन से टारगेट। हमले में यूक्रेनी सैनिक और टैंक तबाह। पुतिन की पश्चिम को सीधी चेतावनी। जंग में रूस को हराने के बारे में सोचना भूल। आधुनिक युद्ध में रूस को हराना है नामुमकिन। बाकपुट में दिखा ब्रिटिश एयर डिफेंस सिस्टम। मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल पर तैनात किया गया सिस्टम। बाकपुट पर कब्जे के लिए रूस के भीषण हमले जारी। यूक्रेन ने किया रूस के एमिनेशन डिपो पर बहुत बड़ा अटैक। एमिनेशन डिपो में धमाके के बाद उठा बड़ा मशरूम क्लाउड। हमले में यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों को मारने का दावा किया है। यूक्रेनी डिफेंस ने जारी किया हमले का वीडियो। राम जन्मभूमि को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। अयोध्या में अलर्ट। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलाने और पत्थर के काले रंग पर विवाद शुरू। राम जन्मभूमि के महंत सत्येंद्र दास बोले राम श्याम वर्ण के इसलिए रंग पर विवाद नहीं। भगवान की मूर्ति बनाने के लिए छेनी हथौड़ी चलाना विवाद की कोई वजह नहीं। बाबा रामदेव के इस्लाम पर तीखी टिप्पणी। बोले मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और फिर हिंदू लड़कियों को चुनते हैं या बन जाते हैं आतंकवादी। लव जिहाद कानून और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सुनवाई आज। जमीयत उलेमाए हिंद ने अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। प्यार में धोखा मिलने पर युवती ने काट ली नस। सपा नेता आजम खान से था अफेयर। शादी का झांसा देकर कर रहा था शारीरिक शोषण। पंजाब में पादरी बाजुंदर सिंह और पादरी हरप्रीत देओल के परिसरों पर इनकम टैक्स का छापा। छापे में जब्त किए गए कंप्यूटर समेत संवेदनशील दस्तावेज। कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार ने अब तक नहीं लिया कोई फैसला। संगम नगरी में सजा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। संगम में बाबा ने लगाई डुबकी। संतों का आशीर्वाद लिया फिर लगाया दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री ने चमत्कार का खुला राज कहा परशा तो बहाना। परशा या कथा के प्रभाव से जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। यूक्रेन से युद्ध में एक और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम हुआ नष्ट। यूक्रेनी मिसाइल से रूसी टॉर M2DT सिस्टम हुआ नेस्तनाबूद। पुतिन ने दी धमकी कहा अगर जर्मनी यूक्रेन को टैंक देगा तो रूस का एक्शन होगा और तेज। भीषण हमले के लिए तैयार हो जाए यूक्रेन। यूक्रेन वॉर के बीच रूस में स्टालिनग्राद युद्ध की सालगिरह। स्टालिनग्राद युद्ध की सालगिरह पर रूस में मिलिट्री परेड। पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाई। स्टालिनग्राद युद्ध की सालगिरह पर पुतिन की वार्निंग। फांसीवाद फिर से हमारे देश के लिए खतरा। युद्ध के 80 साल पूरा होने पर रशियन मिलिट्री की परेड। परेड में रूसी सैनिकों टैंक्स और प्लेन्स ने दिखाया दम। परेड के जरिए युद्ध के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। स्टालिनग्राद युद्ध की सालगिरह पर वोल्गोरोड में हुई आतिशबाजी। पटाखों की रोशनी से जगमगाया पूरा आसमान। बेलारूस रूस से रक्षात्मक सैन्य अभ्यास किया पूरा। युद्धाभ्यास से कीव में मची हलचल। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा 2 हफ्ते का ज्वाइंट युद्धाभ्यास पूरा हुआ। जेलेंस्की ने EU से रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। जेलेंस्की ने कहा प्रतिबंध अभियान अभी धीमी रफ्तार में। रूस चीन से संभावित जंग के लिए US की तैयारी। बेहद ठंडे मौसम में US आर्मी ने की वॉर एक्सरसाइज। अमेरिका के साथ लातविया की फोर्स ने भी की वॉर ड्रिल। वॉर जोन में वैगनर ग्रुप का एक्शन। रूस यूक्रेन जंग के दौरान वैगनर PMC लड़ाकों ने निकोलेवका की बस्ती पर किया कब्जा। यूपी पुलिस और फेसबुक के बीच हुए करार ने बचाई युवक की जान। गाजियाबाद के युवक ने फेसबुक पर फांसी लगाने का वीडियो डाला। फेसबुक ने यूपी पुलिस को सूचना दी। 29 हफ्ते के अवांछित गर्भ गिराने पर 20 साल की छात्रा की अर्जी पर सुप्रीम फैसला। एम्स और सरकार की निगरानी में कराई जाएगी डिलीवरी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से पहले रानीगंज में गोलीबारी, बमबाजी से पहला दहला अररिया का इलाका, 4 लोग घायल, 8 गिरफ्तार। जोधपुर में हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेखौफ अंदाज में फायरिंग करते नजर आए बदमाश, डॉक्टरों ने बचाई राकेश की जान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा में बदमाशों ने युवक को गोलियों से भुना, इलाके में सनसनी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, लोगों ने की रोड़ेबाजी, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में हत्या के प्रयास में 2 वांटेड बदमाश अमन और दिलावर गिरफ्तार, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 17 कारतूस बरामद। ट्रैफिक पुलिस के गुरिल्ला स्टाइल ने ली महिला की जान, स्कूटी सवार महिला के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे बैठी महिला गिरी, ट्रक में रौंदा। गुरुग्राम में खड़ी बाइक में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, कार ने बाइक को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हैदराबाद में अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित, 12 फरवरी तक चलेगा समता कुंभ। रूसी विदेश मंत्री का अमेरिका पर बड़ा आरोप, लावरोव ने कहा नॉर्ड स्ट्रीम विस्फोट में अमेरिका का है सीधा हाथ। रूसी यूक्रेन जंग पर पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा दावा, ट्रंप ने कहा मैं 24 घंटे में खत्म करवा देता रूस यूक्रेन जंग। बाइडेन की विदेश नीतियों पर भी ट्रंप ने उठाया सवाल, बाइडेन तीसरे वर्ल्ड वॉर में झोंक रहे हैं रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेन का रूसी कब्जे वाले इलाके पर बड़ा अटैक, यूक्रेनी ड्रोन गाइडेड मोर्टार से रूसी फौज पर हमला, रूसी फौज के बंकर और घर में छुपे सैनिकों पर यूक्रेन ने किया अटैक। यूएस में रूस के एम्बेसडर एनाटोली एंटोनोव का बड़ा बयान, कहा दुनिया से रूस का नामो निशान मिटाना चाहता है यूएस। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने जाहिर की चिंता, कहा चीन रूस की नजदीकियां नाटो के लिए है खतरे की घंटी। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से क्रामाटोस्क पर किया था हमला, मिसाइल की चपेट में आए 8 अपार्टमेंट, मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका। यूक्रेन पर अटैक की भव्य सालगिरह मनाने की तैयारी में है पुतिन, 5 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर कर सकते हैं पुतिन अटैक, यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ ने किया बहुत बड़ा खुलासा। बारनौल के पास दिखा रूस का महाविनाशक हथियार यार्स, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की यार्स मिसाइल की तस्वीर, न्यूक्लियर यार्स मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर। एक साथ आने की तैयारी में अमेरिका के 3 दुश्मन, चीन, रूस और ईरान का बन रहा है नया गठजोड़, कई मंचों और मुद्दों पर एकजुट हो रहे हैं तीनों देश। अडानी समूह की बड़ी मुश्किलें, 3 कंपनियों के शेयरों पर निगरानी, अडानी के मुद्दे पर आज संसद में विपक्ष के हंगामे के आसार। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का देशव्यापी विरोध का ऐलान, सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने अडानी से जुड़ी फर्म इलारा कैपिटल से इस्तीफा दिया। सरकार के सभी मंत्रियों, पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से अडानी हिंडनबर्ग विवाद में टिप्पणी करने से बचने की नसीहत, बजट के प्रचार प्रसार की अपील। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, आरबीआई अधिकारियों की ओर से की गई अनियमितता की जांच की मांग की सुनवाई आज। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 9 लोगों के खिलाफ ग्वालियर में मामला दर्ज, हिंदू महासभा ने की धार्मिक भावनाएं आहत और करने और सौहार्द बिगाड़ने की शिकायत। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान ने लिया सियासी रंग, मंत्री गुलाब देवी का पलटवार, कहा मैं खुद शूद्र हूं और शूद्र होने के नाते बीजेपी सरकार ने दिया प्रथम स्थान। एएमयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पोस्टर लगाने पर डॉक्टर वसीम अली बोले बाहरी आदमी ने लगाए पोस्टर, यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट शामिल नहीं। हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, दायर कर बीबीसी के कामकाज पर रोक लगाने की मांग की, आज होगी सुनवाई। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर सत्याग्रह एक्सप्रेस के 5 डिब्बे इंजन से हुए अलग, बेतिया मझौलिया स्टेशन के पास हादसा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पूरक चार्जशीट पर लिया संज्ञान, शराब नीति मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 5 और लोगों को समन। ईडी को लेकर अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, ईडी के मामले फर्जी हैं, भ्रष्टाचार खात्मे के लिए नहीं, विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए दर्ज किया जाता है मामला। जमानत के बाद कैदियों की रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 7 दिनों में रिहा नहीं करने पर डीएलएसए के सचिव को सूचित करें जेल अधीक्षक। पंजाब में एक बार फिर ड्रग्स को लेकर गवर्नर और राज्य सरकार आमने सामने, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने गवर्नर पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलों पर विराम, कहा किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। मस्जिद में पुलिसकर्मी बनकर आया था हमलावर, पिशावर मस्जिद ब्लास्ट में 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत।
डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार हो रहा है कमजोर। आईएमएफ की टीम 10 दिन तक पाकिस्तान में रहकर कर रही है कर्ज देने की समीक्षा। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान आईएमएफ से मदद की लगा रहा है गुहार। आईएमएफ ने पाक सरकार के सामने रखी शर्त, कहा सभी सियासी दल एक मंच पर आए। तहरीके लबैक पाकिस्तान पार्टी के नेता साद रिजवी का आया बयान, हाथ में एटम बॉम्ब लेकर चलने की कर रहे हैं बात। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहट सुरंग के पास दो ट्रक आपस में टकराए, टक्कर में 17 लोगों की जान गई, मरने वालों में 3 बच्चे भी हैं शामिल। लॉरेंस गैंग के गुर्गे सहित 5 गिरफ्तार, आईजी ओम प्रकाश ने ऑपरेशन हंटर के तहत की कार्रवाई, रावला पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुत्ते बना रहे बच्चों को निशाना, गुरुग्राम में लिफ्ट से बाहर निकली बच्ची पर कुत्ते ने अटैक किया, 5 मिनट तक अटकी रही मां बेटी की सांस। अजमेर के सालाना उर्स में पहुंचे पाकिस्तानी जायरीन, खरीद रहे आटा दाल मसाले जैसे रोजमर्रा के जरूरी सामान। पृथ्वी के बारे में नई खोजों के लिए नासा और आईबीएम ने मिलाया हाथ, बदलते पर्यावरण के मुताबिक लोगों को ढलने में मिलेगी मदद। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान के तहत 4000 से ज्यादा मामले दर्ज, आज से मुकदमों पर शुरू होगी कार्रवाई। पूर्व सीएम उमा भारती ने ओरछा से की मधुशाला में गौशाला अभियान की शुरुआत, कहा जहां गंगा जल और दूध मिलना चाहिए वहां शराब मिलना शर्मनाक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मिली मुरादाबाद में चार्टर प्लेन उतारने की अनुमति, शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे अखिलेश यादव। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के गुलमर्ग में आए एवलॉन्च में 2 विदेशियों की मौत, एक के हेलमेट कैमरे से शूट हुआ मौत का मंजर। लाहौल स्पीति के केलांग से सटे बिलिंग गांव में दिखे एक साथ 3 बर्फानी तेंदुए, घाटी में भारी बर्फबारी के बाद रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे जंगली जानवर। लखनऊ में रेलवे के कबाड़ से बनाया लड़ाकू विमान, गोमती नगर चौराहे पर प्रदर्शनी के लिए रखा गया विमान।